महिला की संदिग्ध मौत, हत्या का आरोप। फिरोजाबाद के थाना अराव क्षेत्र से, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। थाना अराव के नगला हीरामन में 23 वर्षीय वर्षा की फांसी लगने से मौत हो गई है। वर्षा की शादी सोमवीर के साथ 9 मई 2022 को हुई थी। मृतका के भाई का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उनका कहना है कि शादी में उन्होंने हीरो की गाड़ी दी थी, लेकिन ससुराल वाले बुलेट बाइक की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर वर्षा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। वहीं इस बारे में ग्राम प्रधान प्रमोद का कहना है, हमें गांव वाले ने बताया कमरे में महिला ने फांसी लगा ली है। जब गेट खुलवाया तो हालत गंभीर थी, डॉक्टर के पास लेकर वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। हम आपका सुकुमार जी, क्या बात हुई थी? मतलब दहेज की वजह से गला घोंट करते करते दहेज को प्रताड़ित करते थे रेगुलर। किस तरह, क्या कहते थे? मतलब कैश दिया था, फिर बुलेट के लिए मंग करते थे। बुलेट की जगह HF डीलक्स दी थी हीरो कंपनी की, उससे वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए आज ऐसे छोड़ते भी नहीं थे घर पे। एक घंटे को लेके आते, साथ में ले जाते थे। 2 वर्ष हो गई, एक घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ा घर पे। और फिर 4 करीब 15 दिन हो गए तब से बात ही कराना बंद करा दिया। कल शाम को 4 बजे करीब में तो डेड बॉडी बाहर और पड़ी हुई मिली रोड पर। अरे कहाँ के रहने वाली? नगला हीरामन थाना आराम। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत थाना। अच्छा प्रधान जी, ये क्या मामला हुआ था, ये लड़की खत्म हुई है? ये कल हम गए थे वहाँ गांव में ही एक बुड्ढे खत्म हो गए थे श्याम सिंह, तो उनके दाक्रिया हम गए थे। तो वहाँ हम जब तक गए तब तक ये बहू ने, गांव वालों ने बताया कि इसने मतलब कमरे में अंदर फांसी लगा ली। तो गांव वालों ने गेट खुलवाया, जाके गेट खुलवाया तो अंदर हालत ख़राब निकली। तो लोग बाग उसको ले के भारोल के लिए डॉक्टर साहब के यहाँ ले गए। डॉक्टर साहब के यहाँ वहाँ मृत घोषित कर दिया। वहाँ से फिर ये बॉडी पुलिस पहुँच गई, वहाँ बॉडी ले गए, जिला अस्पताल चली गई।